हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो बाबा, आपको ये लग रहा होगा ये प्रोजेक्ट सीन क्या है भाई, करना है कि नहीं करना है? और यदि करना है तो देखो, ऐसा है कि ना यार, मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं है कि मैं पहले डेवलपमेंट का कोई कोर्स करूं, फिर प्रोजेक्ट बनाऊं और फिर करूं, क्योंकि मेरे को यार बाकी डीएसए या और भी चीजों पर ध्यान देना है मेरे इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए। या आपने ट्राई करा हुआ यार डेवलपमेंट, लेकिन आपको यार उतना मजे नहीं आया, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, तो आपने छोड़ दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है प्रोजेक्ट का क्या करूं मैं। तो यदि आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हो तो बाबा ये वीडियो आपका ये पूरा डाउट अच्छी तरीके से क्लियर कर देगी। बस आप लोग एंड तक देखना, बीच में ऐसे कंक्लूजन बना के मत भाग जाना कि भाई ये क्या चोंगू जैसी बातें कर रहा है, ठीक है? तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख और दर्द आपको हो रहा है वो यार सेम चीज से मैं भी गुजरा था, और मैं उस कैटेगरी में लाया करता था यार जिसमें यार मैंने डेवलपमेंट तो ट्राई करा था, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा था, मतलब इतने मजे से नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आता जो आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद, कि यार फिर प्रोजेक्ट बनाए कि खिसका लेते, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो जब अपने दिमाग में ये आता है कि यार प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या मतलब एक आपको एज मिलता है प्रोजेक्ट से। तो क्या होता है, जैसे कि अपन लोग इंटरव्यू देने जाएंगे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का, ठीक है? तब आपको पता होगा कि इंटरव्यूज में यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? अब जैसे डीएसए के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो डीएसए के यार कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नए नए क्वेश्चन भी बनते हैं। आपके जो एक मतलब सेट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं कि प्री डिफाइंड ये वाले मोस्ट आस्क्ड होते हैं, वो भी क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, या आपको खुद को नहीं पता, आपने वो क्वेश्चन करा होगा, देखा होगा, वैसा आपको नहीं पता है ना। तो वो टोटल इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछे। अब इसी में आता है यार, प्रोजेक्ट आपको देता है एक एज। अब एज कैसे देता है, तो प्रोजेक्ट आपको क्या करता है ना, यदि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से समझाओगे कि सर मैंने ये फीचर्स बनाए, ऐसा बनाया, ये टेक्नोलॉजी मैंने यूज करी, मैंने यहां करा, ये करा, ऐसे बनाया। तो अब इससे हो क्या रहा है कि आप बता रहे हो कि मैंने क्या क्या करा है, कौन सी चीजें यूज करी है, तो आप ना इन अ वे आप इंटरव्यू वो वाला पोर्शन आप कंट्रोल कर रहे हो कि मैं ये चीज करा हूं। तो इंटरव्यूअर आपसे वही चीज पूछेगा कि अच्छा हाँ तुमने ये करा है, तो कैसे इंप्लीमेंट करा, या ये क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, वो चीजें करेंगे। तो इन अ वे आप वाली चीज कंट्रोल करते हो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में, तो आपको इसमें एज मिलता है, इसीलिए आपके प्रोजेक्ट्स एक मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंटरव्यूज में। और यदि वो नहीं रहेंगे तो आपसे यार फिर बढ़िया डीएसए के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आपके पास प्रोजेक्ट वाला कॉलम तो खाली है, आपको डीएसए के क्वेश्चन सारे आंसर देने हैं यदि आपको इंटरव्यू अच्छा चाहिए। और यदि नहीं तो आपके पास वो फिर टाइम बच जाएगा, आप जब प्रोजेक्ट का बताओगे तो आपको ही पता है कि आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना। तो इस तरीके से अपनी एक हेल्प हो जाती है प्रोजेक्ट से। अब बाबा, कम समय में प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, तो वो बताने से पहले मैं आपके साथ यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ बाय गीक फॉर गीक्स, जो कि हमारे यार वीडियो स्पॉन्सर भी है। तो गीक फॉर गीक्स यार एक कोडर्स कॉम्बैक्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि पूरा एक्सक्लूसिव है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और एल्यूमिनाइज है डीटीयू के। अब ये जो चैलेंज है वो आपके अंदर का यार पूरा कोडर बाहर निकाल लेगा, और आपको चांस मिलेगा कि यार अपनी जो खुद की कम्युनिटी, जो डीटीयू की पूरी कम्युनिटी है, उनमें यार कम्पीट कर पाओगे। अब कम्पीट करने में कुछ भाई प्राइजेस मिलेंगे क्या, तो हाँ भैया आपको प्राइजेस मिलेंगे। जितने भी टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास यार चांस रहेगा कि वो यार आईपैड एयर जीत सकते हैं, हेडफोन जीत सकते हैं, अमेजोन वाउचर जीत सकते हैं, और वाउचर जीत सकते हैं गीक फॉर गीक्स के कोर्सेज के। और मैं भी एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, क्योंकि मैं भी इसको पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और ये जो इवेंट है वो यार 13 फरवरी को होने वाला है 8 PM से लेकर 10 PM के बीच में। तो आई होप यार आप लोग भी इस यूनिक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आज जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड यदि आप लोग डीटीयू के स्टूडेंट्स नहीं हैं और आपको कोडर्स कॉम्बैक्ट करवाना है, तो आप लोग यार गीक फॉर गीक्स को कनेक्ट कर सकते हैं campus@geeksforgeeks.org पे। तो अब जो मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो कोई यार बेस्ट अप्रोच नहीं है कि प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बनाने चाहिए या ऐसे टाइप का, वो यार एक अप्रोच है जिसके पास यार टाइम कम है, उनको बनाना है और अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि इंटरव्यूज में भी यार वो अपने आप को डिफेंड कर पाए कि हाँ हमने प्रोजेक्ट बनाया है और अच्छी तरीके से हमें पता है क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो उन लोगों के लिए अप्रोच है। तो देखो अब सीन क्या है कि अपने पास यार टाइम है नहीं, है ना, कि तुम पहले मान लो तुम्हें वेब डी सीखना, तो तुम पहले HTML सीखो, CSS सीखो, फिर JavaScript, फिर या तो तुम्हें कोई फ्रेमवर्क सीखना हो, या तो मैं ऐप डेवलपमेंट में फ्लटर पूरा डेवलपमेंट सीखो, ऐसा टाइम है नहीं। तो अब आपको क्या करना है ना, आप सीधा जाओ YouTube पे या Google पे और आप करो क्लोन, ठीक है? आपको क्या करना है कि किसी प्रोजेक्ट का क्लोन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि Instagram का क्लोन, तो आप सीधा टाइप करो कि Instagram क्लोन, YouTube पर टाइप करो, आपको 6-6 घंटे 7-7 घंटे की वीडियो मिल जाएगी,
ठीक है। अब ये जो वीडियोस है उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है और एज इट इज आपको साथ में कोड करना है। अब इसमें क्या होगा ना कि जो भी वीडियो है उसके नीचे यार लिखा रहेगा मस्त, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा गिटहब का, और आप बढ़िया कोड डाउनलोड करके भी चला सकते हो। लेकिन हमें अब ये वाली अप्रोच नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि वो जैसे जैसे बता रहे हैं आप अपने लैपटॉप में साथ साथ में कोड करो। अब जब आप कोड करोगे और चीजें यूज करोगे तो उसमें आपको समझ में आती जाएगा कि हाँ यार इसमें ये यूज हो रहा है, ऐसे ऐसा यूज हो रहा है, और जहां डाउट आएगा आप उसको गूगल सर्च करके समझ लोगे कि अच्छा ये क्या चीज है, क्या चीज, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि देखो क्या है ना कि वो जो एक 7 घंटे की 5 घंटे की 6 घंटे की वीडियोस होती है उसमें यार आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो पूरा सिखा देते हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं रहता कि बहुत पहले से नॉलेज चाहिए, आप वो जैसे जैसे यूज करते आ रहे ना वो समझते जाओ कि वो चीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं और उससे हो क्या रहा है। अब इससे जैसे कि आप जैसे ही आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको यार पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये वाला कोड ऐसा लिखा था उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने ये कोड ऐसा ये करा था उसकी वजह से ऐसा हो रहा था, और आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आ गया है अब रेज्यूमे के अंदर। अब आप बोलोगे यार क्लोन कैसे टाइप के, तो आप लोग यार एक्सेल का क्लोन बना सकते हो, आप लोग मान लो इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट का क्लोन बना सकते हो, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, तो इन सभी का क्लोन बना के आप कर सकते हो। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि यार ये क्लोन में दम वाली बात लगेगी, वो तो ऐसा लगेगा ना कि यार फर्जी प्रोजेक्ट बना दिया, तो ऐसी कॉपी पेस्ट बना दिया, इनने क्या इनमें दिमाग लगाया। तो अब यहां पर मैं आपको एक देता हूं एडिशनल टिप, और ये आपको अब एज दिलाएगी। तो यार एक बहुत ही फेमस कोट है, वर्क डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ। क्या मतलब है यार कि हमने ऐसे मान लो ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो हमने अब ये क्यों बनाया, मतलब ये तो ऐसा लगेगा कि पूरा ही आपने तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो इसमें क्या अच्छी बात है। तो अब इसमें हमें क्या करना है ना, इस प्रोजेक्ट पे चेरी ऑन द केक कैसे करेंगे कि हम एक स्टोरी ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अब स्टोरी कैसे, भाई एक ड्रामा चल रहा है क्या, इंटरव्यू एक ड्रामा है, तो स्टोरी कैसे कि मान लो जैसे अपन ने फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हमने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट आपने एज इट इज क्लोन कर ली, जब आपने वो क्लोन कर रहे थे आप कोड कर रहे थे आपको समझ में आ गया कौन से एलिमेंट से क्या हो रहा है, किस एलिमेंट से क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत कलर चेंजेस ये सब करना तो ऑब्वियसली सीख ही जाएंगे, ठीक है, और उसका थोड़ा सा स्टाइलिंग वाइलिंग कैसे चेंज करते हो आप पूरा सीख जाएंगे उस 6-7 घंटे में, ठीक है। अब क्या होगा ना, आपको क्या करना है कि उसके पीछे एक स्टोरी डालनी है। स्टोरी फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स बना रहे, तो ई कॉमर्स में आपको क्या बोलना है ना कि सर जैसे अमेजोन है वो सबके लिए होते हैं, पूरे मतलब आपके मैन्युफैक्चरर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए होते हैं, लेकिन सर गांव वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कोई ऐसी वेबसाइट नहीं कि गांव के अंदर जो यूनिक चीजें मिल रही है उनके लिए हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर थीम से हमने एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है जिसमें गांव की जो चीजें होती है, फॉर एग्जांपल मान लो गांव का कोई पॉट, स्पेशल पॉट्स होंगे ताकि जो गांव में लोग रह रहे हैं वो लोग भी यार अपने आइटम सेल कर पाए, और इस मोटिव से हमने यार ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। अब इसमें आपने क्या करा ना कि आपने वही सेम प्रोजेक्ट नाम चेंज कर दिया, चीजें अलग थोड़ी बहुत कर दी, और उसके अंदर एक ले आया यार कि भाई हमारी ये स्टोरी लाइन है इस पे हमने प्रोजेक्ट बनाया। अब आपका प्रोजेक्ट हो गया यूनिक, है ना, अब ऐसा लगेगा कि यार आपने एक प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो यहां पे अब आपको मिल गया एज। तो इस तरीके से यार आप कोई भी जो क्लोन बनाओगे उसके पीछे एक स्टोरी ऐड करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के क्लोन बना रहे हो तो आप ऐसा कुछ कर देना कि हम हमारे कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क टाइप की ऐप बना रहे हैं जहां पे वो लोग कनेक्ट कर पाए, पोस्ट कर पाए, ऐसी सारी चीजें, तो वैसा टाइप का एक स्टोरी बना के जब आप ऐड कर देंगे और उसका नाम सब चेंज कर देंगे तो आपका ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और ये प्रोजेक्ट यार ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो जाता है और नहीं होता, ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट बनाए हैं और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड है, इवन फैंग में भी प्लेस्ड है, और बाकी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी होती है फैंग के अलावा, सब में प्लेस्ड है। तो ये वर्क करती है, आपको बस वो प्रोजेक्ट के बारे में उसके आसपास जो यूज हो रही टेक्नोलॉजी वो सर्च करना है गूगल से, और आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है वो अच्छे से पता रहना चाहिए, और आप कोड जरूर कर लेना बाबा, नहीं तो आप ना वो डाउनलोड करके बस फाइल चला दोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, उस समय भले लग रहा होगा आपको हाँ हाँ भाई मेरे को तो सब समझ में आएगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना आलस मत करना, और इसके लिए आपको यार 10 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे, आप 10 दिन के अंदर पूरा क्लोन अच्छे से बना के उसको समझ के उसके आसपास की चीजें भी देख के तैयार कर सकते हैं, और आप 10 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट बना के बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हो। तो ये था आपने इस पूरे वीडियो के लिए, आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए कोडिंग से रिलेटेड, या कभी कभी हम फनी वीडियोस भी बना देते हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, या जेई से रिलेटेड, तो आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक भी बिल्कुल कर सकते हैं बाबा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं, बाय बाय।